देख रहे हैं प्राइम डे के न्यूज चैनल सच का साथ। की खबर चंपक मुजफ्फरनगर से आ रही है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने को मिली सबसे बड़ी सफलता। पुलिस ने पकड़ी 8 लाख की कीमत के अवैध चरस। देखिए भाई मेरी रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े 3 तस्करों से मिली 20 किलो 500 ग्राम अवैध चरस, जिसकी बाजार में कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी देहात नेपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक यादव द्वारा जीरो ड्रग्स अभियान चलाया हुआ है, जिसमें बुडाना पुलिस ने सफीपुर रोड पर चेकिंग अभियान चलाया था, जिसमें पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे तीनों युवकों जहीर मियां पुत्र सतार मियां, साजन पुत्र सुरेश शर्मा निवासी गाँव मिलपरसा थाना बलथर जिला बेतिया, इस्लाम पुत्र मकसूद निवासी मोहल्ला सफीपुर पट्टी कस्बा थाना बुडाना जनपद मुजफ्फरनगर को चेक किया। देखिए, एक जैन परिवार की महिला थी जो सुबह 8:30 बजे मंदिर से लौट के जा रही थी। उसी दौरान एक अभियुक्त द्वारा उनके पीछे से आकर के कुंडल छीन लिए गए। उनका एक साथी पीछे पीछे मोटरसाइकिल से था जो उस घटना में संलिप्त था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया और 6 घंटे के अंदर ही दोनों अभियुक्तों को ट्रेस करके दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे लूटे हुए कुंडल रिकवर कर लिए हैं। इनका आपराधिक इतिहास अभी तलाश किया जा रहा है। पिछले 6 महीने से पता चला है कि ये लोग इन आपराधिक घटनाओं में लिप्त थे। इसके अलावा जो जो और घटनाएं की उनको सर्च करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। ये दोनों ही पक्ष लोकल, दोनों ही मतलब पीड़िता भी लोकल है और अभियुक्त भी लोकल है। लूट का कारण ये रहा है मुख्य तौर से कि ये लोग नशे का सेवन करते थे, शराब पीने का, और उसकी पूर्ति के लिए ये लोग लूट करते थे। सर, इसी क्षेत्र में पहले भी कोई लूट करते नहीं? इस तरह की घटना इन्होंने यहाँ कृष्णापुरी मोहल्ले में नहीं की, क्योंकि ये घटना कृष्णापुरी मोहल्ले की है। यहाँ पे कोई घटना इनके द्वारा नहीं की गई। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।